विजय न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एग्जांपल है ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 344। देन ए इज इक्वल्स और बी का ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम ए माइनस बी इक्वल्स 8 ले लिया तो ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी ए साइड में डालो तो प्लस बी बनेगा, बी प्लस 8 बनेगा। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, यहाँ पर लिख लेंगे ये इक्वल्स बी प्लस 8। तो ये इक्वेशन 1 को क्या करो, इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स क्यूबिंग करो, क्यूबिंग यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे, सॉरी, क्यूबिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा, ए को ए क्यूब बनेगा और बी प्लस 8 को ए होल क्यूब बनेगा। ठीक है, तो ये ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का क्या आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, वो अप्लाई कर दो इधर, यानी इधर क्या बनेगा, बी क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 8 इंटू बी इंटू बी प्लस 8। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल्स बी क्यूब प्लस 8 क्यूब मीन्स 512 प्लस 3 इंटू 8 24 इंटू बी, 24 टाइम्स बी मल्टीप्लाइड विथ बी प्लस 8। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल्स बी क्यूब प्लस 512 प्लस 824 बी, अंदर का जो बी प्लस 8 है दोनों को एक बार मल्टीप्लाइड कर दो तो क्या बनेगा, 24 बी इंटू बी मीन्स बी स्क्वायर ए प्लस ऑफ 24 प्लस 8 कितना हो जा रहा है, 8 4 192 और बी एज यूजुअल है बी 24 बी प्लस 8 मीन्स 192 बी हो गया। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन मिला हमें, इसको हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे कहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज 344 है, ये पता है हमें, तो ये साइड में लिख लेंगे। क्या पता है हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 344 गिवन है। तो ए क्यूब, ए क्यूब का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में बी क्यूब प्लस 512 प्लस 24 बी स्क्वायर प्लस 192 बी है, तो हमें यहाँ पुट कर दो इसका वैल्यू, खाली इसका ही बोल रहा हूँ मैं, इसका बाद में करेंगे। ए क्यूब का वैल्यू बी क्यूब प्लस 512 प्लस 24 बी स्क्वायर प्लस 192 बी, ये ए क्यूब का हो गया, माइनस टाइम्स बी क्यूब, बी क्यूब आज यूजल रख दो और आगे का इक्वल्स टू 344 एज। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ये प्लस बी क्यूब है और ये माइनस बी क्यूब है, ये दोनों कट हो जाएगा अपने आप, तो बचा क्या है मेरे पास, ये पहले 24 बी स्क्वायर लिखेंगे, 24 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 192 बी प्लस 512 इज इक्वल्स टू 344 बचा मेरे पास। तो ये प्लस 512 है, इसके साथ माइनस राइट साइड में ले लो तो माइनस में आ जाएगा, 24 बी स्क्वायर प्लस 192 बी इज इक्वल्स टू 344 माइनस 512 प्लस 500 है माइनस पड़ जाएगा, तो 24 बी स्क्वायर प्लस 192 बी, यहाँ पर भी आ सकता था ना, हाँ लेंगे नेक्स्ट लेंगे, 344 माइनस प्लस 344 माइनस 512 तो कितना बच रहे हैं, नेगेटिव में आएगा आंसर,
तो 8 168 यानी -168 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर इधर भी है, इधर भी है, इधर 24 है, इसमें भी 24 है, तो 24 एट जार होता है ना, 24 इंटू 8 कितना हो रहा है, 192, तो यहाँ पर क्या करो, 24 टाइम्स बी कॉमन लो, तो इधर क्या बोल रहे हैं, खाली बी बच रहे हैं, 24 बी बाहर है तो ओनली बी बच रहे हैं, प्लस आप इधर बी तो बाहर है लेकिन 192 को 24 से अगर डिवाइड किया तो 8 बच रहे हैं अंदर, इज इक्वल्स टू -168। तो इस इक्वेशंस को दोनों तरफ 24 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 24, तो क्या आएगा, 24 पहले लिख लो, बी प्लस 8 लिख लो, डिवाइडेड बाई 24 रख दो, इज इक्वल्स टू -168 डिवाइडेड बाई 24, या जगह रख दो, तो ये 24 गया, ये 24 गया, इसमें क्या आ रहे हैं, अभी बचे क्या है, बी इंटू बी प्लस 8 इतना ही बचा है ऊपर, तो -168 को 24 से अगर डिवाइड किया तो क्या आ रहा है 24 से, तो 168 को 7 आ रहे, 24 इंटू 7 18, हाँ तो 24 इंटू 24 एक से 24 7 से 24 इंटू 24 24 7 से यानी -7 बच गया। तो हमारे पास क्या मिला, b इंटू बी प्लस 8 इज इक्वल्स टू -7 मिला। तो b प्लस 8 मीन्स हमारे पास क्या है, b प्लस 8 मीन्स a का वैल्यू है, तो a का पुट करो, b इंटू a इज इक्वल्स टू -7 बन गया, इसका मतलब a इंटू बी इज -7। तो दोनों तरफ अगर डिवाइड b से किया, डिवाइडिंग बाय b, तो क्या बनेगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू -7 टाइम्स डिवाइडेड बाई बी, तो बी भी कट हो गया, ए इक्वल्स -7 डिवाइडेड बाई बी बन गया, ये हमें इसका वैल्यू मिला, ए का वैल्यू मिला, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल देंगे, अभी हमें पता है a माइनस बी इक्वल्स 8, तो ए का वैल्यू क्या है, -7 बाई बी पुट करो इसमें, -7 डिवाइडेड बाई बी माइनस बी एज वेल इज इक्वल्स टू 8, तो कुछ भी नहीं होगा तो एक रख लो, तो बी एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर -7 आ जाएगा, इधर बी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 एज वेल रहेगा। अभी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्या आ जाएगा, -7 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी 8b, 8 टाइम्स बी, तो ये राइट साइड में ले लो, तो क्या बनेगा, अभी पहले फर्स्ट बी स्क्वायर बनेगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 8b तो एज वेल है, ये माइनस वो साइड में रहने के बाद प्लस 7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, यानी हमें क्या मिला, बी स्क्वायर प्लस 8b प्लस 7 इज इक्वल टू 0 मिला। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम फैक्टर्स अगर किया तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस 1b प्लस 7 टाइम्स b प्लस 7 इज इक्वल 0 बनेगा, यानी ये दोनों मिलके 8b बनेगा, तो ये बी स्क्वायर एज यूजुअल है, ए प्लस बी एज यूजुअल है। तो क्या करेंगे इसमें, ये दोनों में इधर भी है, इधर भी है, तो एक b कॉमन ले लो, इधर ये बी प्लस 1 इधर बनेगा, इधर प्लस 7 कॉमन ले लो, इधर बी प्लस 1 इधर बनेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी निकाल देंगे, अभी यहाँ क्या बन रहा है, अभी बी प्लस बी दोनों में देखो, बी प्लस 1 दोनों में है, तो बी प्लस 1 बाहर ले लो, बी प्लस 1 अगर बाहर लिया इज इक्वल टू, तो बच रहे क्या, बी प्लस 7 बच रहा है, बी प्लस 1 इज इंटू बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बच रहा है। तो इससे मतलब क्या है, बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दो रिजल्ट मिल रहे हैं अपने को, बी प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इक्वल्स -1,
और इधर क्या बन रहा है, b इक्वल्स माइनस सेवन बन रहा है। अगर हम b का वैल्यू हमारे माइनस सेवन वन से लिया, केस फर्स्ट में देखेंगे वन लिया तो ये का वैल्यू क्या बनेगा, तो ये हमारे पास एक एक क्या है, ए प्लस ए इक्वल्स बी प्लस एट है। हाँ, हमारे पास ए इक्वल्स माइनस सेवन बी एट था ना, सेवन डिवाइडेड बाई बी। तो हम क्या करेंगे, इनके फर्स्ट केस में बी का वैल्यू ए इक्वल्स माइनस सेवन बाई बी में रख के देखेंगे। बी का तो मिला है, ए का वैल्यू चाहिए हमें, बी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। फोर ए इक्वल्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई बी मीन्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई माइनस वन, माइनस माइनस गया ए खाली प्लस बच गया, ए इक्वल्स सेवन। अगर बी इक्वल्स माइनस वन रहा तो ए इक्वल्स सेवन हो रहा है, इसमें बी इक्वल्स करेंगे, बी इक्वल्स अगर बी इक्वल्स माइनस वन रहा तो ये इक्वल्स सेवन बन रहा है। इधर बी इक्वल्स माइनस सेवन रहा तो क्या बन रहा है, देखो वही फार्मूला, ए इक्वल्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स माइनस सेवन, तो एज यूजुअल डिवाइडेड बाई बी मीन्स माइनस सेवन रख दो, ए प्लस गया ए एक गया तो इक्वल्स वन बाई वन गया, वन बाई वन हो रहा है, इक्वल्स वन बन, यानी ए इक्वल्स वन बन रहा है। ये बी माइनस सेवन रहा तो ए का वैल्यू वन बन रहा है, बी माइनस वन रहा तो ए का वैल्यू सेवन बन रहा है, ठीक है। यानी हमें इधर दो ए सेवन और वन, ए का वैल्यू सेवन भी बन रहा है और ए का वैल्यू वन भी बन रहा है। अब बी का वैल्यू, ए का वैल्यू सेवन रहे तो बी का वैल्यू माइनस वन है, और ए का वैल्यू वन रहे तो बी का वैल्यू माइनस सेवन है। ये आंसर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।